क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश, टॉपिक है हमारा द रिबल। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, आई एम इशरत फातिमा, टीचर प्रिमरी स्कूल प्रोजेक्ट महल्ला। तो आज का जो मेरा चैप्टर है वो 7th क्लास के बच्चों के लिए है, और ये जो हमारी पोएम है द रिबल, ये हमारी T1 की लास्ट चैप्टर है। आज हमारा ये जो चैप्टर है, ये पोएम हमने पढ़ी है, आज हम इसके क्वेश्चन करेंगे। तो आज हमारा इंग्लिश का 7th इंग्लिश का T1 कंप्लीट हो चुका है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। और हम आप अपनी बुक ओपन कीजिए और देखिए क्वेश्चन हमारे क्या है। रीडिंग इज़ फन। तो मैं आपको अपनी नोटबुक पे मैंने लिखे हैं क्वेश्चन, मैं यहाँ से पढ़ूँगी, आप वहाँ देखेंगे। स्टार्ट करती हूँ मैं द रिबल। क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा, इफ़ समवन डजंट वेयर ए यूनिफॉर्म टू स्कूल, व्हाट डू यू थिंक द टीचर विल से टू हिम। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन, अगर स्कूल में यूनिफॉर्म नहीं पहन के जाएंगे तो आपको क्या लगता है टीचर उसे क्या कहेंगे। हमसे क्वेश्चन पूछता है, आंसर है द टीचर विल कॉल हिम ए रिबल। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन एवरीवन वांट्स ए क्लियर स्काई, व्हाट डज द रिबल वेंट। तो जब सबको स्काई क्लियर चाहिए होगा तो रिबल को क्या चाहिए होगा। जाहिर सी बात है रिबल सबके अपोजिट होता है, उसको बारिश ही चाहिए होगी। तो हमारा आंसर है द रिबल वांट्स रेन। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द रिबल has a cat for a pet, what is everyone else likely to have। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अगर रिबल के पास पालतू बिल्ली है तो सबके पास क्या होगा। जाहिर सी बात है उसके पास डॉगी होगा। तो हमारा आंसर है द अदर पीपल्स लव टू देयर पिट डॉग्स। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, why is it गुड टू हैव रिबल। ऐसा क्यों अच्छा है जो रिबल है जो आपकी बातों का विरोध करे। तो हमारे पास आंसर है बिकॉज, क्योंकि देन वी डोंट हैव टू बी ए रिबल। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई इज इट नॉट गुड टू बी ए रिबल। तो हमारे पास क्या है आंसर इसका है बिकॉज ए रिबल ऑलवेज कॉजेज प्रॉब्लम्स फॉर अदर, देयरफॉर इट इज़ नॉट गुड टू बी ए रिबल। तो हमारे ये जो था पोएम थी जो हमारी द रिबल, आज हमने इसके क्या किए क्वेश्चन किए हैं। आज से मतलब जो हमारा ये T1 का जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। अब इंशाल्लाह हम कल से U3 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए वस्सलाम एंड टेक केयर।